हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशन के ऊपर। तो देखिए, अब इसमें हम वन बाई वन करके दो तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन आपको कराते हैं। उसके पहले आप स्ट्रिंग्स ले लीजिए, क्योंकि बार बार स्ट्रिंग्स को लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो मान लीजिए, लेट वी हैव टू स्ट्रिंग्स, ठीक है। एक स्ट्रिंग है हमारे पास एस। एस में क्या है? एस में है आपका जॉन पॉल जोन्स, जॉन पॉल और जोन्स, एक स्ट्रिंग एस ये है। दूसरी स्ट्रिंग टी है। टी में क्या है? टी में है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इज ए जॉय फॉर एवर, ठीक। ये दो स्ट्रिंग्स हैं। अब इस पर डिपेंडिंग अपॉन हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है? जैसे देखिए, एक तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर वन, उसने कहा है कि लेंथ ऑफ एस एंड लेंथ ऑफ टी बताइए, ठीक है। तो अगर इसमें हम लेंथ ऑफ एस, तो एस में कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ करेक्टर्स आप काउंट कर लीजिए, एक दो तीन चार, स्पेस भी काउंट करेंगे, पाँच छः सात आठ नौ, फिर 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो एस की लेंथ कितनी आ गई? 15। और ऐसी अगर हम बात करें कि लेंथ ऑफ टी की, तो ऐसे इसको काउंट करिएगा, ब्लैंक स्पेसेस भी काउंट होंगे, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा आंसर 35। क्लियर? तो ये होगा क्वेश्चन नंबर वन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है कि मान लीजिए हमने कहा सबस्ट्रिंग स्ट्रिंग पोजिशन कॉमा लेंथ टू डिनोट द सबस्ट्रिंग्स ऑफ स्ट्रिंग बिगनिंग इन ए गिवन पोजिशन एंड हैविंग ए गिवन लेंथ। तो पहले इसमें पहले पार्ट में आपको क्या करना है? आपको निकालना है सबस्ट्रिंग्स ऑफ सब स्ट्रिंग्स निकालना है आपको, किसका? एस स्ट्रिंग का फोर्थ कैरेक्टर से और एट लेंथ का। ये तो हम पीछे आपको थ्योरी में पढ़ा ही चुके हैं। तो जब आप ये एस से आप निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर देखिए क्या आएगा। इसको देखिए, एस स्ट्रिंग से यहाँ पे आ गए फोर्थ कैरेक्टर, यानी जे ओ एच एन, एन से आप लेंगे और यहाँ से आठ कैरेक्टर तक, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, जे तक जाएगा ये। तो यानी आपके पास ये आएगा एन। फिर मान लीजिए ब्लैंक स्पेस के लिए हम ये स्क्वायर शेप दिखा, दिस इज ब्लैंक स्पेस। फिर आएगा आपका पी ए यू एल, फिर ब्लैंक स्पेस आएगा और फिर जे, ये इसका आंसर ये आएगा। सेकेंड क्वेश्चन मान लीजिए हमने टी स्ट्रिंग के लिए कहा, हमने कहा सब स्ट्रिंग और आपको बोला टी। अब इसमें हो गया 10th कैरेक्टर से और 5 कैरेक्टर तक, तो आप देखिए क्या आएगा इसका आंसर। इसमें आप 10th कैरेक्टर पे आइए तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10, एफ हुआ, ठीक। और यहाँ से 5, तो ये हो गया एक दो तीन चार पाँच, ए तक जाएगा, यानी ये आएगा आपका एफ। फिर ब्लैंक स्पेस आएगा, फिर आएगा बी ई ए और ठीक है, ये आपका यहां तक आ जाएगा। क्लियर? ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, एक और नेक्स्ट हम करते हैं इंडेक्सिंग के लिए, ठीक। इंडेक्सिंग ऑपरेशन जो हमने पढ़ा है, मान लीजिए हमने आपसे क्वेश्चन दिया कि इंडेक्स एस कॉमा जो, यानी हमें ये निकालना है इंडेक्स, इसमें हमको देखना है एस स्ट्रिंग में और क्या देखना है जे ओ,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, देखिए जे वो कहाँ है स्ट्रिंग में, शुरुआत में ही है, तो जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वन से, तो इसका आंसर आ जाएगा वन। फिर मान लीजिए हमने कहा इंडेक्स, फिर हमें एस स्ट्रिंग में देखना है, और क्या देखना है, जॉय, ठीक है, हमें देखना है जे ओ वाई, जॉय। अब इसमें देखिए आप जे ओ वाई पूरा आप देखते चले जाइए, कहीं नहीं है, तो जब कहीं नहीं है तो इंडेक्स क्या हो जाएगा इसका, जीरो। क्लियर? तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे और हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए उसने पूछा इंडेक्स और हमें देखना है टी में, और क्या देखना है, हमें देखना है कि साहब ये स्ट्रिंग देखना है, इधर ब्लैंक स्पेस, फिर ए और फिर ब्लैंक स्पेस, ये स्ट्रिंग चाहिए हमें। अब आप टी में देखिए, आप ये तो पहला ही करेक्टर है, यहाँ ये ब्लैंक स्पेस नहीं, यहाँ पे कोट्स लगा हुआ है, तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए, ये वाला ए है हमारे काम का, यानी इसके पहले भी ब्लैंक स्पेस है, इसके बाद भी ब्लैंक स्पेस है, तो इसका जब आप इंडेक्स लेंगे तो आप यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका इंडेक्स टी ऑफ ब्लैंक स्पेस, ये आएगा आपका 21, ये आ जाएगा आपका 21। आप काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और ये ब्लैंक स्पेस आ गया 21। तो 21 में से हमारा जो भी स्ट्रिंग हम ढूंढ रहे हैं वो शुरू हो जा रहा है। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग के ऑपरेशन कर सकते हैं, और जो अगर स्ट्रिंग नहीं मिलेगी तो उसका इंडेक्स जीरो। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, हमने कहा इंडेक्स टी में ढूंढिए, और क्या ढूंढना है, टी एच ई द। अब देखिए टी में यहां से यहां तक कहीं भी द नहीं मिल रहा है, तो आप सिंपली इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर? तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन पे, ठीक है, तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, हमें मालूम है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कैसे शो करते हैं हम लोग, S1 फिर डोल ऐसे लाइन और फिर S2, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी लेक्चर में। अब इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए हमने कहा कि क्वेश्चन ये दिया हुआ है फाइंड सबस्ट्रिंग S11 5 और कॉन्कैटिनेशन ब्लैंक सबस्ट्रिंग S19, ठीक। मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सबस्ट्रिंग ठीक है, पहला सबस्ट्रिंग तो हो गया आपका S11 5 से, S11 करेक्टर से 5 करेक्टर लेना है, ये हो गया। इसको कॉन्कैटिनेट करना है किसके साथ, इस स्ट्रिंग के साथ, यहाँ ब्लैंक स्पेस है, फिर कॉमा है, अच्छा पहले कॉमा है फिर ब्लैंक स्पेस, पहले कॉमा है फिर ब्लैंक स्पेस, फिर ये स्ट्रिंग बंद है, ठीक है, और फिर इसको कॉन्कैटिनेट करना है किसके साथ, फिर हमने यहाँ लिखा सब स्ट्रिंग S19 के साथ, S19 के साथ ये करना है हमें, ठीक है। मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन है, तो अब इसका जो सॉल्यूशन आएगा, पहले आप स्ट्रिंग देखिए S11 5, ठीक है, तो पहला जो आप स्ट्रिंग देखेंगे S11 5 वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका जोन्स, ठीक है, आप उसमें जाइए 11 कैरेक्टर से 5 तक लीजिए, यहाँ पे आइए, ये तो 11 कैरेक्टर हो गया आपका 4,
एक पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, यहां से अब पांच कैरेक्टर ये हो गया जोन्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जोन्स आ जाएगा। फिर ये स्ट्रिंग आ जाएगी, मतलब कॉमा और ब्लैंक स्पेस कॉमा, और ये हमने स्पेस दे दी, और यहां से फिर पहले कैरेक्टर से 9 कैरेक्टर तक एस का, तो ये आ जाएगा जॉन पॉल। तो ये आ जाएगा जॉन पॉल। इस तरह से ये ऑपरेशन का ये आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगा, नहीं क्लियर हो रहा होगा, तो मुझे कमेंट लाइन में पूछिएगा। अब सेकंड पार्ट वाली नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबस्ट्रिंग दिया है कहाँ से, टी का। कहाँ से लेना है, 28th करेक्टर से 3 करेक्टर लेना है, और उसको कॉन्कैटिनेट करना है किसके साथ, गिवन के साथ। ठीक है, ये करना है हमें। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा, पहले सबस्ट्रिंग जो आएगी 28 से लेकर यहां तक, वो आएगी फॉर। देख लीजिए आप, ये कॉन्कैटिनेट होगा किसके साथ, गिवन के साथ। यानी फाइनली आंसर क्या आएगा हमारे पास, फॉर गिवन। ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रिंग ऑपरेशन जो है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, जो आपने पिछले थ्योरी लेक्चर्स में पढ़ा है। ऐसे ही आप डिलीट ऑपरेशन, रिप्लेस ऑपरेशन, इन सब पे भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आप करिएगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर आप कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिएगा। तो इंसर्ट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन, रिप्लेसमेंट ऑपरेशन जो पढ़ाया है आपको थ्योरी लेक्चर में, उस पर भी बेस्ड जो है न्यूमेरिकल्स आपको करा देंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।